नौ स्वरूपों का हम दर्शन करते हैं। माँ भगवती श्रीमद देवी पुराण महापुराण के माध्यम से माँ भगवती के दिव्य स्वरूपों का वर्णन है। प्रथम शैलपुत्री चा द्वितीय ब्रह्मचारिणी बढ़ाते हैं। भक्तजनों, आप सभी जानते हैं कि माँ भगवती के हम सभी सनातन धर्म प्रेमी जब तक भगवत भक्ति के श्रवण पान नहीं करते हैं, उनका दिव्य सत्संग नहीं सुनते हैं, जब तक हमारे जीवन में भजन के भाव उत्पन्न नहीं होते हैं, तब तक हमें शांति नहीं मिलती है। पिछले 2 वर्षों से संपूर्ण विश्व में महामारी के चलते हम सभी सनातन धर्म प्रेमियों को ऋषि मुनि महात्माओं के श्री मुखारविंद से, संत महापुरुषों के दिव्य मुखारविंद से, उनके समक्ष बैठ करके पार ब्रह्म परमेश्वर के दिव्य महिमाओं का वर्णन श्रवण पान करने नहीं मिल पाया है। यह 2 वर्ष हमारे लिए बड़ा निराशा का भाव लेकर आया। इस विषय को लेकर कई सनातन धर्म प्रेमी बड़े व्याकुल हो करके डिप्रेशन में चले गए। मौन हो गए कई भक्त, उन्हें मंदिर में ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाए, उनके घर में संतों का आगमन नहीं हो पाया, ईश्वर की दिव्य महिमाओं को, दिव्य चर्चाओं का श्रवण पान उन्हें करने नहीं मिला। और वे कई ऐसे महापुरुष हैं जो अभी भी मौन बैठे हुए हैं और मन ही मन ईश्वर की आराधना घर में ही कर रहे हैं। घर में भी ईश्वर का निवास होता है, प्रत्येक घर मंदिर है, यह हमारा तन भी मंदिर है, हमारा यह मन भी मंदिर है। यह मंदिर का निर्माण करता भी पार ब्रह्म परमेश्वर ही है। संतों ने कहा है कि 84 लाख योनियों को पार करने के बाद हमें जो यह दुर्लभ मानव शरीर मिला है,
इसे हम व्यर्थ ना गवावे। ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा है और श्री रामचरितमानस में भी बाबा तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा है कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, परमेश्वर की क्षण मात्र की कृपा प्राप्त होती थी। लेकिन कलयुग में अगर आपके जीवन में सौभाग्य से पूर्व प्रारब्ध के शुभ कर्मों के फल के प्रताप से आपको दिव्य महापुरुषों के साथ सिद्ध महापुरुषों की अगर कृपा प्राप्त हो गई है, गुरु दीक्षा प्राप्त हो गई है, तो सिद्ध महापुरुषों में वो सामर्थ्यता होती है कि अपने शिष्य को क्षण मात्र में ही ईश्वर के साक्षात्कार करा देते हैं। लेकिन वे शिष्य भी पूर्व जन्म के अनेकों जन्म के जब पुण्य प्रताप जागृत होते हैं, तब इस कलिकाल में तत्काल ही परमात्मा के साक्षात्कार करने में सक्षम हो जाता है। क्योंकि ऋषियों ने कहा भी है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल
ईश्वर की और माँ भगवती परा अम्बा जगत अम्बा माँ अम्बा भवानी और बाबा भोलेनाथ के हम सभी सनातन धर्म प्रेमियों के लिए बड़ी कृपा हुई है कि आज हम इस कोरोना के भयानक काल के भय से मुक्त होकर के आज हम माँ भगवती के दिव्य वचनों को दिव्य कथाओं को फिर से श्रवण पान करके और अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ करने का समय प्राप्त हो गया है। और भक्तजनों, इस कोरोना जैसे महामारी से हमें मुक्त होने के लिए शास्त्रों का संग लेना बहुत जरूरी है, संत महात्माओं का सानिध्य प्राप्त करना बहुत जरूरी है, हमारे जीवन में संतों का सानिध्य प्राप्त करके हमारे अपने जीवन और अपने परिवार के जीवन की रक्षा हेतु हमें हवन पूजन अनुष्ठान इत्यादि करते ही रहना चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर की शरण में रहता है, नित्य प्रति पार ब्रह्म परमेश्वर की और माँ भगवती की आराधना करते रहता है, तो ऐसे काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो भक्त होता है महाकाल का और माँ भवानी की। और सभी मिलकर के हम बोले बोलिए महाकाल महाराज की। भक्तजनों, जीवन के संपूर्ण कष्टों से हमें मुक्त होने के लिए शास्त्र के ही विचारों को सुनना चाहिए और हमारे जीवन को शास्त्र सम्मत ही चलाना चाहिए, तब ही जीवन सार्थक होगा। हमें जीवन का उद्धार करने के लिए, अपनी बेटियों को सुसंस्कार देने के लिए, अपने पुत्रों को सुसंस्कार देने के लिए हमें ऐसे व्यास पीठ की आवश्यकता होती है। जब हम गुरुजनों के द्वारा, गुरु माताओं के द्वारा स्वयं माँ भगवती के दिव्य कथाओं का श्रवण पान करेंगे, हमारे पुत्र पुत्री पौत्र आदि जब दिव्य महिमाओं का श्रवण पान करेंगे, सुसंस्कार रहित जीवन यापन करने की कला जब गुरु माताओं से, ऋषि मुनि महात्माओं से प्राप्त करेंगे, तब उनका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। मैं इस हिवरा गांव के संपूर्ण बेटियों के लिए, बहुओं के लिए, माताओं के लिए, पितृतुल्य मेरे जो समक्ष बैठे हुए बुजुर्ग हैं, ये सब मेरे पिता तुल्य हैं। इनके सबके परिवार की सुख शांति हेतु माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ और संपूर्ण समाज, मानव समाज की शांति हेतु, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि हे अम्बा भवानी, हे उमिया भवानी, इस गांव के सभी नर नारी भक्तों पर अपने दिव्य कृपा दृष्टि बरसाए रखना माँ। मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि माँ भगवती के इन परम पवित्र सारस्वत नवरात्र यानी गुप्त नवरात्र के पावन पर्व पर नारी शक्तियों का यहाँ ज्यादा एकत्रित हुए ऐसा भाव नजर आ रहा है, क्योंकि मात्र शक्ति आगे है तो पितृ शक्ति भी चली आती है। इसीलिए तो श्रीमद् भागवत में माँ भगवती राधा रानी का ज्यादा महत्व समझाया जाता है, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। माताओं का ज्यादा मुझे यहाँ समावेश लग रहा है, क्योंकि ये आदि शक्ति है जो यहाँ अनन्य रूपों में विद्यमान हुई है। ये हमारी हिवरा में जो भवानी माता है,
इनका दिव्य स्वरूप अनेक अनेक स्वरूपों में माँ भगवती यहाँ विद्यमान बैठी हुई हैं। उन्हीं ने आपके हृदय में दिव्य आत्म ज्योति जागृत करके स्वयं आपके भीतर बैठ करके और माँ भगवती अपने प्रांगण में स्वयं ले आई। आप सभी मातृ शक्तियों को मेरा प्रणाम, स्वीकार हो। बोलिए अम्बा भवानी मात की। और माँ भगवती से यह प्रार्थना करते हैं कि हे माँ भगवती, सभी गांव की रक्षा रहे तो भगवान भोलेनाथ को भी हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि अगर मात्र शक्ति को ही प्रणाम करते हैं, माता रानी को ही हम याद करते हैं और पितृदेव को नहीं जानते, उनको याद नहीं करते हैं तो नहीं चलेगा। माँ भगवती की अम्बा भवानी का हमने दिव्य संकीर्तन के स्वरूप में नमन और प्रणाम किया। अब हम भगवान भोलेनाथ बाबा महाकाल जिनका दिव्य स्वरूप है, इस कोरोना नामक काल के भय से हमें मुक्त करेंगे तो बाबा महाकाल ही। इसलिए इस हिवरा गांव के लिए, इस हिवरा गांव के संपूर्ण नार नारी भक्त जन के सुख और शांति के लिए और संपूर्ण विश्व शांति के लिए हम बाबा भोलेनाथ से भी प्रार्थना करते हैं।